गोविंदपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा को निशाने पर लेते हुए झूमरवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। गोविंदपुरा विधानसभा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। गोविंदपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन पत्र जमा करने के बाद रविंद्र साहू झूमरवाला ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। इस मौके पर झूमरवाला ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर को निशाने पर लेते हुए कहा कि क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। मेरे साथ गोविंदपुरा की जनता का आशीर्वाद है। भाजपा पूरे देश में और पूरे प्रदेश में और विधानसभा क्षेत्रों में परिवारवाद की बात करती है, दूसरी जगह परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है गोविंदपुरा विधानसभा के माध्यम से कि 43 साल एक ही परिवार को विधानसभा से टिकट दिया जा रहा है और झूठी बातें करके बरगलाया जा रहा है जनता को। भास्कर में भी छपा परिवारवाद को लेकर, बहुत सारी मीडिया हाउस ने छापा है कि भाजपा एक जगह उत्तर में परिवारवाद की बात करती है, दूसरी जगह परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। मैं 4.5 साल से इस क्षेत्र में सघन जनसंपर्क और मेहनत कर रहा हूं। कोई कुछ भी कह सकता है, मैं 2 महीने सक्रिय हूं, जनता इसका जवाब देगी। हम 4.5 साल से जमीन पर लड़ाई लड़ा और मुझे बहुत मैं भी प्रचार में था, आज कलेक्टेड आया था, बहुत जनसमर्थन मिल रहा है, जगह जगह माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।